खतरनाक हुई कोरोना की दूसरी लहर। कोरोना की दूसरी लहर ने सभी रिकॉर्ड तोड़े। एक दिन में कोरोना के 2.5 लाख से ज्यादा मामले, 2.5 लाख से ज्यादा मामले में 1500 मौतें। देश में कोरोना की दूसरी लहर अब और खतरनाक होती जा रही है। इससे देश में कोरोना महामारी का संकट विकट होता जा रहा है। मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है और अस्पताल में बेड कम हो रहे हैं। इस बीच बीते 24 घंटे के दौरान रिकॉर्ड में नए मामले मिले हैं और मरीजों की जान भी गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक देश में बीते 24 घंटे में कोरोना के रिकॉर्ड 2,61,500 नए मामले सामने आए। बीते साल मार्च में कोरोना महामारी की शुरुआत से लेकर अब तक एक दिन में नए मामलों की यह सर्वाधिक संख्या है। ये पहली बार है जब नए मामले 2.5 लाख से अधिक दर्ज किए गए हैं। देश में कोरोना से कुल संक्रमित की संख्या बढ़कर 1,47,88,109 हो गई है। देश में महामारी से मरने वालों की कुल संख्या बढ़कर 1,77,150 हो गई है। इसी के साथ कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या 18 लाख हो गई है। सक्रिय मरीजों की संख्या 18,01,316 दर्ज की गई है, जो संक्रमण के कुल मामलों का करीब 12.14% है। देश में कोरोना से ठीक होने वाले लोगों की दर घटकर 46.6% हो गई है। कोरोना से ठीक होने वाले लोगों की संख्या फिलहाल 1,28,09,643 है। हालांकि मृत्यु दर गिरकर 1.20% हो गई है। इस बीच देश में कोरोना वायरस के खिलाफ टीकाकरण जारी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के ताज़ा आंकड़ों के अनुसार देश में अब तक 12,26,22,590 लोगों का टीका लगाया जा चुका है। इसमें से 26,84,956 टीकाकरण बीते एक दिन में किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN।